भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है लर्निंग जी के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। तो फौजी गेम रिलीज़ हो चुका है ऑन टाइम रिपब्लिक डे के दिन, और आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे खेल सकते हैं। इसके अंदर आपको तीन फीचर मिलते हैं, जिसके अंदर है कैंपेन मोड और टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल। दो जो बाद के फीचर हैं वो बंद हैं, सिर्फ कैंपेन मोड आप खेल सकते हैं। इस कैंपेन मोड के अंदर आपको कुछ टास्क दिया जाता है, कुछ यहाँ पे स्टेजेस होती हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको आराम से खेल पाओगे। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है गलवान घाटी से, जहाँ पर कुछ फौजियों को शहीद कर दिया जाता है, कुछ फौजियों को यहाँ पर कैद कर लिया जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट सिंह जो हैं वो बचते हैं जिंदा। तो आपको इस गेम के अंदर रोल मिलेगा लेफ्टिनेंट सिंह का, और आप उसी से यहाँ पर खेलने वाले हो और आगे बढ़ के अपने फौजियों को बचाने वाले हो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो समझना ज़रूरी है। अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं समझोगे तो आप इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं आपको ईजिली समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से इस गेम को खेलना है। तो बस बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ देख लीजिए, आपको यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मिशन है वो आपको 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप मिशन नहीं कंप्लीट कर पाए तो ये आपका मिशन फेल हो जाएगा और आपको फिर से दोबारा से मिशन करना पड़ेगा। अब मिशन कंप्लीट कैसे करना है, देखिए यहाँ 25 मिनट जो लिखे हैं इसके बाद में आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे। इस स्टार के आखिर में आपको एक फ्लैग देखने को मिलेगा। अब ये फ्लैग ये आपका लास्ट पॉइंट है, आपको इन 25 मिनट के अंदर अंदर आपको ये लास्ट फ्लैग तक पहुँचना है। जितने आप मिशन कंप्लीट करते रहोगे आपका ये स्टार कंप्लीट होते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक हेल्थ का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी हेल्थ है वो यहाँ पर शो हो रही है, इंडिकेट हो रही है। अगर आप यहाँ पर हेल्थ सही से रिस्टोर नहीं करते हैं और आपकी हेल्थ ख़त्म हो जाती है तो आप किल हो जाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप उन्हें लड़ाई करते रहे और अपनी हेल्थ को रिस्टोर नहीं किया तो यहाँ पर आप यहाँ पर किल हो सकते हो, फिर से आपको दोबारा से ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पंच बटन दिया हुआ है, जिसको आपको हर वक्त टैप करना है जब आपका दुश्मन आपके सामने हो, तो पंच और किक वगैरह लगती रहेगी। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी ऐसे ही एनिमी को मारा जिसके पास वेपन है तो वो वेपन आप कलेक्ट कर सकते हो, और ये वेपन भी इसकी भी एक हेल्थ होती है वो भी चली जाती है। तो इसको भी बहुत स्मार्टली यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक फायर जल रही है, उसके बाद यहाँ पर एरो बन के आ रहा है। उस एरो पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस बटन को दबा कर बैठ जाएंगे और आपकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी है यहाँ पर, तो सर्दी की वजह से आपकी हेल्थ गिरती है। लेकिन जब आप आग से अपने आप को ताप लेते हो, आग के पास बैठ जाते हो, तो आपकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। अब हेल्थ रिस्टोर करने से क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पर बंकर टू बंकर जाना है, यानी कि एक बंकर के पास जाएंगे तो आपको 5-6 इनेमी मिलेंगे। तो जैसे ही आप इनेमी से लड़ लो तो वापस अपनी हेल्थ रिस्टोर करो, आप पीछे चले जाओ, पीछे जो भी फायर जल रही है जहाँ से आप आए हो, तो वहाँ से आप अपनी हेल्थ को रिस्टोर करके फिर आगे बढ़ो। अगर आप हेल्थ रिस्टोर करे बिना आगे बढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि वेपन का असली यूज क्या है। देखिए, अगर आप वेपन को ऐसे यूज करते हो कि वहां पर कोई इनेमी आता है जिसके हाथ में वेपन नहीं है, उसके ऊपर आप अपनी वेपन यूज़ करते हो तो वेपन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके हाथ में वेपन नहीं थी इसलिए आपको वेपन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे इनेमी के ऊपर वेपन यूज़ करो जिसके हाथ में वेपन हो, जिसको मार के फिर से आपको वेपन मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 2 स्टार तक पहुँच चुका हूँ, यानी कि मैंने 2 स्टार जो बंकर हैं उनको कम्प्लीट कर लिया है, मेरा लास्ट स्टार बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि वेपन आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे इनेमी एक साथ आप पर हमला कर देते हैं। अगर उनके अंदर 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनके पास वेपन है तो आप अपनी वेपन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेपन तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको ये पंच वाला बटन दबाते रहना है। अगर आप पंच वाला बटन रोक दोगे तो फिर आप इनको मार नहीं पाओगे, ये आपको ही मार देंगे। तो यहाँ पर मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन है लेकिन मैंने पंच का बटन छोड़ा नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि आपको ये जो कर्सर है इसको हिला हिला के आपको अपना डिस्टेंस बनाना है इनेमी
एनिमी के बीच में, यानी कि दो एनिमी हैं तो उनके बीच में आपको डिस्टेंस बनाना है। अगर आप दो एनिमी के बिल्कुल करीब हो तो पीछे वाला आपको मारेगा और आगे वाला भी आपको मारेगा, फिर आपकी हेल्थ चली जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप करके लेके जा रहा हूँ और इन लोगों को थोड़ा साइड साइड में ले जाकर यहाँ पर इनसे फाइट कर रहा हूँ। तो इस वजह से देखिए मेरी इतनी कम हेल्थ की वजह से भी मैंने सारे एनिमी को यहाँ पर मार दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, उसके बाद आप वेपन कलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पर जो आग जल रही है वहाँ पर आप ज़रूर जाकर अपनी हेल्थ रिस्टोर करो। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी और आप आगे जाकर अगला जो बंकर है उसमें जाकर फाइट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वेपन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपनी टाइमिंग पर अपना ध्यान देंगे और अपना जो है हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, तब जाकर ये मिशन आपके कंप्लीट हो पाएंगे। और जब आपको वेपन यूज़ नहीं करनी है तो ये वाला जो बटन है उसको आप दबाएंगे तो वेपन आपकी पीछे चली जाएगी और आप सिर्फ पंच से लड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लास्ट वाला पॉइंट पर हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि मैं रास्ता यहाँ पर भूल जाता हूँ। मैंने लास्ट एनिमी को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन लास्ट एनिमी के बाद में मैं रास्ता भूल जाता हूँ और पूरे 5 मिनट ढूंढने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिलता। मैं जिधर जाता हूँ वहाँ से रास्ता बंद होता है। तो ये आपको करना है कि बहुत जल्दी मिशन करना है जिससे कि आपको यहाँ पर रास्ता ढूंढने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये थे टिप्स जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे और बहुत काम आएंगे अगर आप इसमें मिशन कम्प्लीट करना चाहते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो एली गेमिंग लाइव और कोल्सन गेमिंग दो मेरे स्ट्रीमिंग चैनल हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।